आखिर कश्मीर महाभारत के युद्ध के समय क्यों सम्मिलित नहीं हुआ, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। प्रारंभ में जन्मजय वैश्मयन से पूछते हैं कि महाभारत के युद्ध में कश्मीर का राजा क्यों सम्मिलित नहीं हुआ था। वैश्मयन उत्तर देते हैं कि महाभारत के युद्ध से कुछ समय पूर्व राजा जरासंध ने अपने संबंधी कश्मीर के राजा गोनंद को अपनी सहायता के लिए बुलाया था ताकि वह यादवों के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त कर सके। गोनंद ने उसे युद्ध में भाग लिया था तथा कृष्ण के बड़े भाई बलराम के हाथों मारा गया। गोनंद का पुत्र अपने पिता की मौत का बदला लेने को गंधार जा पहुँचा, जहाँ एक स्वयंवर में भाग लेने को कृष्ण पहुँचे हुए थे। कृष्ण ने दामोदर को तो मौत के घाट उतार दिया, परंतु कश्मीर की भूमि को महत्वों में ध्यान रखते हुए उसकी गर्भवती पत्नी यशोवती को कश्मीर की राजगद्दी सौंप दी और इसी कारण से महाभारत के युद्ध में कश्मीर युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ। अभी आप पूछेंगे जन्मजय था कौन? अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित और परीक्षित का पुत्र जो था वो जन्मजय थे और उस टाइम के कश्मीर का राजा जन्मजय थे। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर अवश्य करें और लोगों को इसके बारे में अवश्य बताएं।